गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए ट्रीज चाइल्डहुड। ए ट्रीज चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? एक ट्री का, एक पेड़ का बचपन। ओके, चाइल्डहुड मतलब बचपन, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यू माइट वंडर कैन ए ट्री फील और स्पीक। आप सोचते होगे कि क्या एक ट्री कुछ फील करता होगा या फिर कुछ बोल पाता होगा। वाई नॉट, यू मे नॉट हियर आवर वॉइसेस बट दैट डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट स्पीक। एक पेड़ बोलता है, क्यों नहीं, अगर यू मे नॉट हियर आवर वॉइसेस, तुम हमारी आवाज़ नहीं सुने हो या फिर नहीं सुन सकते, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोलते नहीं। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल हियर आवर वॉइसेस इन द मर्मरिंग साउंड ऑफ द बीच। अगर तुम थोड़ा ध्यान लगाओगे तो तुम भी हमारी वॉइस सुन सकते हो। कहाँ पे? इन द मर्मरिंग साउंड ऑफ द ब्रिज, मतलब यहाँ पे दिया गया है द सॉफ्ट साउंड दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज मेक व्हेन द लाइट ब्रिज ब्लोस। जब थोड़ा हवा आ रहा होता है तो पत्तों का कुछ झिरझिर सा आवाज़ आता है कि नहीं, उसको उनकी आवाज़ बोला जाता है। ओके, एवरी डे आई स्पीक टू द बर्ड्स दैट कम टू रेस्ट ऑन माई ब्रांचेस। हर दिन मैं जो भी मेरे पेड़ में आते हैं रेस्ट करने के लिए बर्ड्स लोग, मैं उनसे बातें करता हूँ। आई स्पीक टू द लिटिल एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल एंड आई इवन मेक फ्रेंड्स विद द लार्जर एनिमल्स। मैं उनसे भी बातें करता हूँ, छोटे छोटे एनिमल्स से जो जंगल में रहते हैं, और बड़े बड़े एनिमल्स से मैं दोस्ती भी कर लेता हूँ। बिकम समवंस फ्रेंड मतलब दोस्ती कर लेना। ओके, यू मस्ट हैव सीन गजराज द एलिफेंट। आप देखे होंगे गजराज द एलिफेंट को, इसको। ओके, समटाइम्स ही When he comes, he rubs his head against my trunk. कभी कभी जब मतलब आता है वो, तो क्या करता है वो अपने हेड को मतलब सिर को, इसको सिर को यहाँ पे खुजलाता है, ट्रंक में यहाँ पे खुजलाता है मतलब रफ करता है। I then tell him, not so hard brother, my bones are crumbling. मतलब बोलता है ज़्यादा ज़ोर से मत करो, मेरे बोन्स मतलब ये जो ब्रांचेस है वो टूट जाएंगे। क्रम्बलिंग मतलब ब्रेकिंग इनटू टेनी पीसेस। ओके, टूट जाना। इफ़ यू विश टू ईट माय लिप्स प्लीज ब्रेक देम जेंटली। अगर तुम्हें मेरे पत्ते खाने का इच्छा है तो धीरे धीरे आराम से खा सकते हो, आराम से तोड़ सकते हो। प्लीज डोंट ब्रेक माय ब्रांचेस, लेकिन मेरे ब्रांचेस को मत तोड़ो बोलता है। ओ व्हाट कैन आई डू ही आस्क्स, माय हेड एंड बैक इच। वो ये गजराज बोलते हैं, ओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सर और मेरे बैक जो पीछे है, पीछे वो खुजलाता है। ईच मतलब खुजलाना। कैन यू प्लीज़ लेट मी स्क्रैच माई सेल्फ ऑन योर ब्रांचेस। क्या तुम मुझे अपने ब्रांचेस में थोड़ा स्क्रैच करने दोगे मतलब खुजलाने दोगे। टर्न ओवर द पेज। देन आई मूव माई ब्रांचेस एंड रब हिज बैक फॉर हिम। फिर ये क्या करता है, अपने ब्रांचेस को मूव करके उसके बैक को खुजला देता है। गजराज सॉज ही स्ट्रंग विद प्लेजर एंड ट्रम्पेट्स लाउडली टू थैंक मी। गजराज फिर अपना सॉज ही स्ट्रंग विद प्लेजर मतलब अपने सूंड को हिलाता है और ट्रम्पेट लाउडली मतलब जोर से चिल्लाता है तक उसको पेड़ को थैंक यू बोलने के लिए। वन डे गजराज आस्क्ड मी, व्हाई डू यू लव दिस बर्ड सो मच, दे इवन मेक नेस्ट इन योर ब्रांचेस। गजराज बोलता है एक दिन कि तुम इन बर्ड्स को क्यों इतना पसंद करते हो, ये तो तुम्हारे ब्रांचेस में घर बना देते हैं, नेस्ट बना देते हैं बोलते हैं। ब्रदर आई रिप्लाइड, पेड़ बोलता है, भाई सी हाउ लवली दे आर, देखो वो कितने सुंदर हैं, लवली हैं। देयर ट्विटरिंग इज़ लाइक म्यूजिक, वो जो आवाज़ निकालते हैं वो पूरा उनके मतलब गाना की तरह होता है। आई लाइक द कलरफुल बटरफ्लाइज एज वेल, वो जो कलरफुल बटरफ्लाइज आते हैं उनको भी मुझे बहुत पसंद आता है। डोंट यू लाइक देम टू, क्या तुम पसंद नहीं करते हो बोलता है पेड़। आई एम सो ह्यूज एंड द बटरफ्लाइज आर सो टेनी, हाउ वुड आई इवन सी देम, लाफ्ड ब्रदर गजराज। बोलता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ और बटरफ्लाई बहुत छोटे हैं, मैं उनको देख भी कैसे सकता हूँ बोल के हंसता है गजराज हाथी। ओके, If you have to live in the jungle, you have to respect all creatures, big and small, and learn to live with them all. अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो तुम्हें सारे creatures, मतलब सारे animals को, सारे जो भी होते हैं सबको तुम्हें
चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहना चाहिए, बोलता है। इट वॉज नॉट ओनली द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट वेयर माई फ्रेंड्स, द पीपुल ऑफ द नियर बाई विलेजेस वेयर माई फ्रेंड्स एज वेल, बोलता है पेड़ की ये जो आसपास के जो मतलब बर्ड्स और एनिमल्स हैं बस वो मेरे दोस्त नहीं हैं, पास के जो गांव हैं उसके लोग भी मेरे मतलब दोस्त हैं, बोलता है। एंड विद बांसुरी आई हैड स्पेशल फ्रेंडशिप, और बांसुरी के साथ तो मेरा स्पेशल फ्रेंडशिप है, बोलता है। बांसुरी वॉज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन द विलेज, बांसुरी एक छोटी लड़की है जो कि विलेज में रहती है, गाँव में रहती है। वेन आई वॉज लिटिल सी वॉज लिटिल टू, जब मैं छोटा था तब वो भी छोटी थी। She used to come to the river with her grandmother to bath and fill water in pots. जब वो छोटी थी तो एक grandmother के साथ आती है, ये बांसुरी है और ये उसकी grandmother है, तो ये उसकी grandmother के साथ आती है bath मतलब नहाने, okay? और पानी भरने pot में। She always had a little cup in her hand, उसके पास हमेशा एक छोटा सा cup उसके हाथ में रहता था। On her way back home, she would water the little the plants with it. जब वो घर जाती थी वापस तो वो अपने little cup से अपने रास्ते में सारे पेड़ पौधों को पानी देती थी। बांसुरी would tell her grandmother the plants are thirsty grandma, but they cannot tell us because they cannot speak. बांसुरी बोलती थी कि अपने दादी से grandmother से कि plants भी बहुत प्यासे होंगी grandma, वो हमें बोल नहीं पाते इसीलिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते ना इसीलिए वो बता नहीं सकते हैं। हर ग्रैंड मदर लाफ्ड, हंसती हैं उसकी ग्रैंड माँ। हाउ मेनी प्लांट्स कैन यू वाटर विद दैट दिस टिनी कप, सिली वन, बोलती हैं कि इस छोटे से मग में कितने प्लांट्स को पानी दोगे तुम, पागल सी लड़की, बोलती है। बांसुरी लाफ्ड एज वेल, बांसुरी भी हंसने लगती है। आई यूज टू वॉच एंड वेट फॉर हर टू कम एवरी डे, मैं हमेशा वेट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कब वो आए। आई यूज टू एन्जॉय लिसनिंग टू हर चैटर, उसकी बातें मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बोलता। समटाइम्स सी वुड जेंटली टच माई ब्रांचेस विथ हर लिटिल हैंड्स एज दो सी वॉज एक्सटेंडिंग ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, कभी कभी वो अपने छोटे छोटे हाथों से मैं ब्रांचेस को टच करती है, छूती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रही है, मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए पूछ रही है। देन आई ग्रू अप, फिर मैं बड़ा हो गया। बांसुरी ऑल्सो ग्रू अप, बांसुरी भी बड़ी हो गई। सी यूज टू कम टू द रिवर विथ हर फ्रेंड्स, वो अभी अपने दोस्तों के साथ आती है थी। दे यूज टू लाफ एंड सिंग एंड टॉक, वो अपने दोस्तों के साथ सारे हंसते थे, बातें करते थे, गाना गाते थे। आफ्टर देयर बाद बांसुरी एंड हर फ्रेंड्स वुड रेस्ट अंडर माई शेड, जब वो नहा लेते थे तो बांसुरी और फ्रेंड्स उसके जो आते थे सारे मेरे शेड्स के नीचे मतलब मेरे पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट करते थे थोड़ा, ओके? तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसको सरोज मुखर्जी ने लिखा है। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।